हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। चलिए इंपॉर्टेंट थ्योरम, सबसे पहली थ्योरम पढ़िए। यस पढ़िए अक्षत, पहली थ्योरम। यस सर। सर पहली थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। इफ अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स द टू साइड इन द सेम रेशियो। यस देखिए इसमें ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल सामने दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाए। फिलहाल यहाँ पर आपके सामने जो सिचुएशन दी गई है उसमें साइड बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है जिसका नाम है डी ई। ये लाइन एल ड्रॉ की गई है और ये बाकी की रिमेनिंग साइड्स को, एक को डी पर काट रही है और एक को ई पर काट रही है। तो ये थ्योरम क्या कहेगी? ये थ्योरम कहेगी कि अगर ये बाकी की साइड्स को दो पॉइंट पे काट रही है तो ये थ्योरम कहती है कि दिस रेशियो दिस, मतलब जो टुकड़े होंगे सेम रेशियो में होंगे, यानी एडी अपॉन डी बी इक्वल टू एई अपॉन ई सी। ये इसका प्रूफ मैं करवा भी चुका हूं, आज दोबारा करवाऊंगा। एडी अपॉन डी ई इक्वल टू एई अपॉन ई सी, ये होगा ठीक है ना। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं बच्चों। यस यही हमें प्रूफ करना है, इंटरसेक्टिंग टू साइड्स देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, मतलब दिस रेशियो दिस इक्वल टू दिस रेशियो दिस। ओके एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू एई अपॉन ई सी। चलो भाई प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए बच्चों सबसे पहले एक ट्राइंगल एबीसी है, ए ट्राइंगल एबीसी एंड एल इज द पैरेलल लाइन बीसी जो कि एबी को जो कि इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को डी पर और ए सी को ई पर। पढ़ो टू प्रूव। टू प्रूव ए बी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। एग्जैक्टली ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन, जॉइन बी ई एंड सी डी, ड्रॉ ई एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। देखिए बच्चों बी को ई से ज्वाइन कर दीजिए और सी को डी से ज्वाइन कर दीजिए। ओके और ड्रॉ कीजिए क्या ई एल, इस लाइन पर परपेंडिकुलर ई एल ड्रॉ कर दो और इस लाइन पर परपेंडिकुलर डी एम ड्रॉ कर दो। कर दिया भैया ड्रॉ। चलो प्रूफ। We know that areas of the triangles on the same base and between same parallel lines are equal. Hence, we have area of triangle BDE is equal to area of triangle CDE. देखिए ये base क्या है? BDE है, ये base है DE. अब इस base पर बनने वाले दो triangle आप देखिए ध्यान से। तो एक तो triangle बन रहा है बच्चों यहाँ से BDE, ये बन रहा है BDE, और एक triangle बन रहा है बच्चों यहाँ से CDE. मैं color change करके आपको दिखाता हूँ CDE कहाँ बन रहा है। ये बन रहा है CDE, तो एक बन रहा है BDE और एक बन रहा है CDE। खास बात क्या है कि BDE और CDE दोनों ही सेम बेस DE पर बन रहे हैं और ये बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल है, मतलब एक ट्रायंगल ये वाला DE बेस पर है इसके साथ और एक ट्रायंगल ये वाला DE बेस पर इसके साथ। तो आपको पता होगा सेम बेस और सेम पैरेलल पर बनने वाले ट्रायंगल्स के एरियाज क्या होते हैं, इक्वल। क्लास नाइन्थ की थ्योरम कि सेम बेस और सेम पैरेलल पर बनने वाले ट्रायंगल के एरिया इक्वल होते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, मतलब ये एरिया और ये एरिया जो होंगे BDE और CDE का, सॉरी ये नहीं, ये BDE और CDE, ये दोनों ट्रायंगल के एरियाज क्या होंगे आपस में, इक्वल। चलिए पढ़िए। नाउ वी हैव area of triangle ADE upon area of triangle BDE equal to 1 upon 2 into AD into EL upon half into DB into EL. हाँ, that is equal to AD upon DB. ये क्या किया है जरा इससे लिखिए। Area of triangle ADE, area of triangle ADE, तो ADE का area that is equal to half, base कितना बच्चों AD, base है AD और हाइट कितनी है बच्चों इसके ऊपर परपेंडिकुलर EL, ये हो गया। अब दूसरा बच्चों इसी पर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE देख लो, DBE तो DBE का एरिया कितना होगा 1/2, बेस कितना है बच्चों इसका BD और इस पे हाइट कितनी गिरी हुई है EL हाइट गिरी हुई है। देखो डाउट है तो तुरंत रोक करके मेरे को पूछो, गलत बात अगर आप चुप रह रहे हो तो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे ही लग रहा आप लोगों से बन रहा है। EL से EL कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, कितना आ गया AD अपॉन BD,
तो ये देखिए ये आ गया अपने पास AD अपॉन BD, पहला पार्ट ये होगा। दूसरा पार्ट करते हैं बच्चों, दूसरा पार्ट ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ओके, और ADE ये वाला पार्ट देख लीजिए, और साथ ही साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये वाला एरिया। तो कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऊपर वाला ट्रायंगल और बच्चे DEC नीचे वाला ट्रायंगल, तो ADE और DCDE या DEC का एरिया इक्वल टू हाफ बेस AE इनटू हाइट DM। कैसे आई देखिए, बेस कितना है यार, बेस है A से E तक का, और हाइट क्या पड़ेगी, ये DM पड़ेगी। तो यस, तो क्या बन गया बेटा, देखिए मैं लिख देता हूं यहां पे 1/2, बेस है AD और हाइट है कितनी DM डिवाइडेड बाय, अब ये वाला देखो कितना बनेगा 1/2, बेस कितना है EC और हाइट कितनी बनेगी इस पर DM, DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, कितना आ गया AD अपॉन EC, AE अपॉन EC, सॉरी बच्चों AD नहीं था AE था, AE अपॉन EC ये आ गया। अब क्या करेंगे भाई, अब देखिए अपने पास क्या है, दोनों ट्रायंगल दोनों एरियाज को ध्यान से देखिए ये चीजें, ये बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अनामिका नहीं हुआ क्लियर, एक्सप्लेन कर दो एक बार फिर से, एक्सप्लेन कर दो, चलो ओके, चलो यस सर ओके, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई बात नहीं बेटा। इसको थोड़ा सा काम करते हैं, चलिए देखिए एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया आपके पास में, ये अपन ने एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल अपने पास, और इस ट्रायंगल में मैंने बेस साइड ले ली, इस ट्रायंगल में मैंने ये बेस ले लिया, ये बेस बी सी है, बी सी के पैरेलल एक साइड मैंने बनाई, D बन गया ये E बन गया बच्चों, ये D बन गया ये E बन गया। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है टू प्रूफ AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये आपको प्रूफ करना है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए आपके पास एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ADE, ये ट्रायंगल ADE है। अब सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लो, B को E से मिला दो और D को C से मिला दो, ये दोनों कंस्ट्रक्शन आपको करने पड़ेंगे क्योंकि आपको कॉमन बेस DE पर दो ट्रायंगल के एरियाज निकालने हैं। फिर से बोलूं, कॉमन बेस DE पर दो ट्रायंगल के एरियाज निकालने हैं। अब देखिए, अब ऊपर करिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का एरिया और नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन ADE के बाद, ADE के बाद अपन को लेना है BDE, BDE का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कैसे निकलेगा बच्चों, ADE पर परपेंडिकुलर डाल दो यहां से, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो AD पर परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा बच्चों, EM कहलाएगा, और यही परपेंडिकुलर किस पर होगा, AB पर या DB पर। अगर आपको परपेंडिकुलर की वर्किंग नहीं पता है, इसका मतलब आपके नाइन्थ क्लास के कंसेप्ट वीक है थोड़े से,
तो चलिए ए डी ई का एरिया कितना होगा, हाफ। बेस कितना दिख रहा है बच्चों, ए डी इंटू हाइट कितनी दिख रही है यार, हाइट 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 कितनी है, वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट, हाइट है ई एम, ये हो गया ई एम। देन इसके बाद बी डी का एरिया हाफ, बेस कितना है यार, ये है बेस बी डी इंटू हाइट कितनी है, हाइट है बच्चों हमारे पास फिर से ई एम, ई एम से ई एम कैंसिल हो गया, वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल हो गया, तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई कितना आ गया सॉल्व हो करके, ये हमारे पास आ चुका है दैट इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी डी, ये पहला एरिया आ गया, तो नंबर वन ले। चलो अगली बात, अब एक काम करो, ये ले लो बेस ए ई और इस पर परपेंडिकुलर डी से डाल दो, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा डी एन, ये भी परपेंडिकुलर है, तो अब अपने पास दो ट्रायंगल बन गए, एक बन गया ए डी ई और दूसरा बन गया ये वाला बच्चों बी, उल्टा सॉरी गलत बोल गया, ये वाला बनेगा बच्चों सी डी ई, ध्यान से देखना सी डी ई सी डी ई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, ए डी ई और सी डी का एरिया, ए डी का एरिया कैसे निकलेगा देखो, हाफ। बेस कितना आएगा बच्चों, ए से लेके ई तक का बेस बनेगा ए ई इंटू हाइट कितनी बनेगी डी एन, ये हाइट बन गई डी एन अपॉन, फिर इस पर बेस देखो डी सी ई पर, तो बेस क्या बनेगा बच्चों हाफ, बेस बनेगा सी ई या ई सी इंटू हाइट कितनी बनेगी, हाइट यही बनेगी डी एन, तो डी एन से डी एन कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया अपने पास बच्चों, अपने पास आ गया ए ई अपॉन सी ई नंबर टू। हिमांशु समझ में आया इतना कि नहीं आया? यस सर। ओके, अब देखो बच्चों ये रिलेशन नंबर वन बन गया, रिलेशन नंबर टू बन गया, अब ध्यान से देखो ऊपर क्या बैठा है, ऊपर बैठा है एरिया ए डी ई, यहां भी बैठा ऊपर एरिया ए डी ई, मतलब न्यूमरेटर वाले पार्ट तो सेम है, अब बात करते हैं डिनोमिनेटर वाले पार्ट की। देखिए एक एरिया है बी डी ई और एक एरिया है सी डी ई, देखो बी डी ई कहां बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है बी डी ई, ये बन रहा है। भी एरिया इक्वल हो जाएंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, कौन सी थ्योरम से इक्वल होंगे पढ़िए सर, ये ना एरिया ऑन द सेम अरे ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, एग्जैक्टली, तो ये जो है अपना एरिया बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है बी डी ई वाला बन रहा है और दूसरा जो एरिया बन रहा है अपना देखो कैसा बन रहा है सी डी ई, मतलब ये बन रहा है रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये एरिया बन रहा है, ध्यान से देखिए ये दोनों ट्रायंगल जो है सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में बन रहे हैं, तो हमने पढ़ा था कि सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में बनने वाले ट्रायंगल के एरियाज क्या होते हैं, इक्वल हुआ करते हैं, तो एक जो अपने पास ये एरिया बन रहा है ये वाला एरिया, ओके, एंड दूसरा जो ये वाला एरिया बन रहा है ट्रायंगल का, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल होंगे, मतलब ये जो डिनोमिनेटर में ये वाला जो पार्ट बैठा हुआ है और ये वाला पार्ट जो बैठा हुआ है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, yes, sir. मतलब न्यूमरेटर तो ऑलरेडी इक्वल हो चुके हैं, अब बचे डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गए हैं, सिंस एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी ई, लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, हम्म,
एरिया ऑफ बी डी इक्वल टू सी डी, तो ये दोनों लेफ्ट पार्ट इक्वल हो गए, तो इनकी राइट पार्ट भी इक्वल हो गए, मतलब ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, हेंस प्रूव्ड ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भैया अभी? yes, हिमांशु बोलो भाई। यस सर। चलो ले लो स्क्रीनशॉट बेटा इसका। तो देखिए ये हमारे पास वही बाई पुटिंग द वैल्यू 15 AD अपॉन DB और इसको हमने प्रूफ कर लिया है, ठीक है, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब बच्चों कुछ कॉरेलरी रिजल्ट होते हैं, कॉरेलरी मतलब कि छोटे से रिजल्ट, छोटे छोटे रिजल्ट जो हुआ करते हैं वो देख लो, वो कॉरेलरी रिजल्ट क्या है, वो किससे बनते हैं, इसी से बनते हैं। कॉरेलरी का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉरेलरी का मतलब होता है एक बड़े थ्योरम की हेल्प से छोटी छोटी थ्योरम जो प्रूव होती है उनको अपन बोलते हैं कॉरेलरी। एक बड़ी थ्योरम की वजह से जो छोटी छोटी थ्योरम आती है डिराइव होती है उनको अपन बोलते हैं कॉरेलरी। तो देखो अपने पास क्या था, मामला क्या था पूरा का पूरा, ये अपने पास है बच्चों, ये अपने पास है ट्रायंगल ए बी सी और इसमें हमने यहाँ पे डाला है डी ई, यस डी ई बना दिया है, ठीक ना। अब इससे प्रूव होने वाले छोटे छोटे रिजल्ट क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग, छोटे छोटे से रिजल्ट जो हमें प्रूव करने हैं वो क्या है। ये थोड़ा डार्क नहीं चल रही है, ब्लू ले लेता हूँ। चलिए तो छोटे छोटे रिजल्ट क्या प्रूफ करे हैं, देखिए सबसे पहला रिजल्ट हमने प्रूफ किया है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो पहला रिजल्ट बच्चों अपनी कॉपी में लिख लो, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, पहला रिजल्ट। ओके मतलब ऊपर का हिस्सा बटे ऊपर का हिस्सा, this upon this equal to this upon this, ये हिस्सा। अब दूसरा रिजल्ट लिखो बच्चों, दूसरा रिजल्ट छोटा पार्ट बटे कंप्लीट पार्ट इक्वल टू इधर का छोटा पार्ट बटे इधर का कंप्लीट पार्ट, मतलब AD upon AB, AD upon AB equal to AE upon AC, ये फिफ्थ नंबर पे जो लिखा मैंने पहले इसको बोल दिया। तो ऐसे महसूस करना छोटा पार्ट बटे कंप्लीट हिस्सा इक्वल टू इधर का छोटा पार्ट बटे इधर का कंप्लीट हिस्सा, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। जी हाँ, ये कहीं पर कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, जरूर जरूर बताया जाएगा आपको, जरूर पूछिए। यस सर। अगला देखिए छोटा पार्ट, अगला पार्ट क्या है भाई, उल्टा कर दो इसका, जस्ट उसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, तो एक रिजल्ट ये बन गया। मतलब एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। चलो नोट करो, यस सर डन डन। इसके बाद इसका उल्टा कर दो तो ये बन गया, देखो इसका उल्टा कर दिया, DB अपॉन AB इक्वल टू EC अपॉन AC, इसका उल्टा ये बन गया, ये नीचे लिखा, सॉरी बच्चों ये नहीं, ये आ गया इस पे, DB अपॉन AB इक्वल टू EC अपॉन AC। डन। Yes, sir.
एट लास्ट छोटा हिस्सा बटे बड़ा हिस्सा, मतलब डी बी छोटा हिस्सा बटे बड़ा हिस्सा, ए बी इक्वल टू इसका छोटा हिस्सा कौन सा है, ई सी अपॉन ए सी, नोट करो ये हो गया सारे ई सी अपॉन ए सी। डीबी अपॉन डन, कोई प्रॉब्लम किसी में भैया? तो सारे रिजल्ट ये बन गए हैं जितने भी रिजल्ट हैं। हाँ अक्षर, कोई प्रॉब्लम किसी रिजल्ट में? नो सर। कोई दिक्कत बन जाएगा ना? यस सर। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसमें। बच्चों ये क्वेश्चन बैंक बोर्ड्स की तरफ से आया है, एडवांस का अलग आया है, बेसिक का अलग आया है। क्वेश्चन बैंक मतलब लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा है। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बनाया है, केंद्रीय विद्यालय ने, तो केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं गवर्नमेंट के स्कूल, उसने बनाया, मैं आपको भेज दूंगा। चलिए तो मेनली थ्योरम अपन ने क्या क्या देखी एक बार मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। आपने देखी भैया ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, पहली थ्योरम ये देखी। इसका उल्टा कर दोगे तो बच्चों हो सकता आपको प्रूफ में आ जाए डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई, ये आ जाए। या ये देखो ऐसे भी आ सकता है ए डी अपॉन ए बी, ऊपर का छोटा समोसा बटे पूरा समोसा है, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, या इसी को उल्टा कर दो तो उल्टा पलट करके लिख दो। या तीसरा रिजल्ट है नीचे वाला डी बी अपॉन पूरा, मतलब नीचे का हिस्सा बटे पूरा हिस्सा, तो डी बी अपॉन ए बी इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी, या इसी को पलट करके रेसिप्रोकल कर सकते हो। तो बच्चा छह रिजल्ट में से कोई भी रिजल्ट आपको आ सकता है, वैसे ज्यादातर पहला वाला ही आता है ना, तो पहला वाला ही आया करता है जो अपन ने प्रूफ कर लिया। तो ये पूरी की पूरी कोरोलरी हो गई और ये पूरा का पूरा ही हो गया। डन, कोई प्रॉब्लम बच्चों? नो सर। चलो हाँ भाई बोलो, बाकी लोग अनामिका क्लास में हो तो यस बोलो। यस। चलो भाई, अच्छा अगला क्वेश्चन बच्चों लिखो, प्रूफ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स करना है हमको प्रूफ, प्रूफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बच्चों बीपीटी में हम क्या प्रूफ करते थे, बीपीटी में हम ये प्रूफ करते थे कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के बेस साइड के एक साइड के पैरेलल खींच रहे हैं तो वो बाकी की बची साइड को सेम रेशियो में ब्रेक करती है। अब बीपीटी का कन्वर्स क्या होगा कि अगर कोई लाइन बाकी की रिमेनिंग साइड्स को इक्वल रेशियो में ब्रेक कर रही है तो डेफिनेटली वो लाइन जो होगी तीसरी लाइन के क्या होगी, पैरेलल। तो ये हमें प्रूफ करना है। चलो पढ़ो अक्षत, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। Converse of BPT. If a straight line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. हाँ, तो हमें ये प्रूफ करना है कि लाइन जो है थर्ड साइड के पैरेलल है। चलो लिख लो काम की चीजें। गिवन एक ट्रायंगल ABC है, एक लाइन L है, L डैश है, ये वाली लाइन बच्चों मान लो L डैश है, ओके? ये लाइन L लाइन मानना बच्चों। तो ये लाइन L है जो कि कैसे तोड़ रही है, ब्रेक कर रही है, ये जो लाइन जा रही है नीचे वाली, ये लाइन ब्रेक कर रही है सेम रेशियो में, ओके? किसको किसको ब्रेक कर रही है, AB को और AC को। तो लिख दिया इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एक एल एक इंटरसेक्टिंग लाइन है जो कि ए बी को डी पर काट रही है और ए सी को ई पर काट रही है, एंड इट इज इंटरसेक्टिंग सच अ वे दैट रेशियो इज इक्वल, मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। नीचे लिख लो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, एल इज पैरेलल टू बी सी, ये प्रूफ करना है। चलो एल इज पैरेलल टू बी सी,
अजीब सा प्रूफ है थोड़ा सा, एल इज पैरेलल टू बी सी। चलो मान लेते एल को पैरेलल बी सी, मान लेते हैं बच्चों की एल बी सी के पैरेलल नहीं है, बी सी के पैरेलल कोई और लाइन है, ये जो जा रही है देखो ये लाइन, और ये कहां पर काट रही है, एफ पर काट रही है। इसको मान लिया कि एल बी सी के पैरेलल नहीं है, बी सी के पैरेलल कोई और लाइन है, ये है। ओके ठीक है भाई, पैरेलल है, कहां से जा रही है, डी से जा रही है, तो डी से जा रही है तो इसलिए तो देन थ्रू डी देयर मस्ट बी अनदर लाइन विच इज मस्ट बी पैरेलल टू बी सी। अगर एल पैरेलल नहीं है तो इसके पैरेलल कोई ना कोई और लाइन तो होगी संसार में, बेशक तो उस लाइन को अपन ने मान लिया डी एफ, तो डी एफ पैरेलल टू बी सी है, और ई और एफ अलग अलग है, मतलब ई इज नॉट इक्वल्स टू एफ, ई नीचे है और एफ ऊपर है, और हमारा कंसिडरेशन है कि डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, ये मान लिया। अब भैया अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है तो DF क्या लगाएगा, BPT लगाएगा, और DF जब BPT लगाएगा तो क्या बनेगा, AD upon DB equal to AF upon FC बनेगा, तो AD upon DB is equal to AF upon FC by basic proportionality theorem, so AD upon DB is equals to AF upon FC। अब देखो बच्चों हमारे पास एक रिजल्ट हमने अभी से ये बनाया, और हमारे पास एक गिवन रिजल्ट है क्वेश्चन में ही, क्या AD upon DB equal to AE upon EC, ये हमें given है, तो हम क्या लिख सकते हैं भैया, जब हमने ये बनाया इसका लेफ्ट पार्ट क्या है, AD upon DB, ये पार्ट कहां से है, given है, तो जब लेफ्ट लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो राइट राइट पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल, यानी AF upon FC AE upon EC के इक्वल होगा। बोलो समझ में आया ये लाइन कि नहीं आई बच्चों, समझ में आ गई सर, आ गई, ओके। तो बच्चों हमारे पास आ गया मेन पंच कहां पे आया, ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब देखो काम की बात बच्चों, अब इसमें क्या करो, दोनों तरफ वन ऐड कर दो, तो ए एफ अपॉन एफ सी प्लस वन, और इधर भी ए ई अपॉन ई सी प्लस वन, एलसीएम ले लो तो ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी ये हो जाएगा, ई सी ऊपर चला गया ये हो जाएगा। बच्चों डायग्राम से देखो ए एफ प्लस एफ सी क्या बनता है, डायग्राम से देखो ए एफ प्लस एफ सी ए एफ और एफ सी क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा। हाँ पूरा मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा गंदा सा हो गया है, ये लो, तो ए एफ प्लस एफ सी क्या बन जाएगा बच्चों, देखो ए एफ यहां तक और एफ सी यहां तक, तो बन गया ए सी, और ए ई प्लस ई सी भी क्या बनेगा, ए सी बनेगा, है ना। चलो आ जाते हैं डायग्राम में, ए एफ प्लस एफ सी क्या बनेगा बच्चों, ए सी बनेगा, और ए ई प्लस ई सी क्या बनेगा, वो भी ए सी ही बनेगा, और नीचे आ गया एफ सी एंड ई सी। तो अब क्या होगा बच्चों, ए सी से ए सी कैंसिल कर दीजिए, ए सी से ए सी कैंसिल कर दीजिए, और ए सी से ए सी कैंसिल करने के बाद अपने पास बचेगा वन अपॉन एफ सी इक्वल टू वन अपॉन ई सी, रेसिप्रोकल कर दीजिए तो एफ सी इक्वल टू ई सी, FC equal to EC. इसका मतलब जितनी FC की लेंथ है उतनी EC की लेंथ है। देखिए ध्यान से डायग्राम में, FC और EC equal कब होंगे? F से लेके C की लेंथ और E से लेके C की लेंथ equal कब होगी? जिस समय F पॉइंट चल करके किसके ऊपर आ जाएगा? E के ऊपर आ जाएगा। मतलब F and E must be coincide. Yes, this shows that E and F must be coincide, but it contradicts our superposition that E is parallel is not parallel to F. But ये contradiction arise हो गया कि E is not parallel to F. तो ये contradiction क्यों arise हुआ? ये इसलिए क्योंकि हमने wrong assumption माना था. तो मतलब logically क्या रहा है कि FC equal to EC आ रहा है, मतलब जो पॉइंट आपने F माना था और जो पॉइंट E माना था दोनों एक ही पॉइंट है, इसका मतलब केवल एक ही लाइन वहां पर होगी DE जो कि BC के पैरेलल होगी। सो DE क्या थी भाई, L ही तो थी, L से जाने वाली लाइन ना DE, सो L इज पैरेलल टू BC, L इज पैरेलल टू, डन। हेलो एक बार फिर से देखते हैं बच्चों, कन्वर्स ऑफ बीपीटी स्क्रीन प्रेजेंट है, यस नहीं अभी
एक बार बोल दो यस, प्रेजेंट है स्क्रीन। देखिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी में था क्या बच्चों, हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ था, एक ट्रायंगल एबीसी, एबीसी, और हमें ये कह रहा था कि अगर आपके पास एक लाइन है जो कि बाकी बची हुई साइड को इक्वल रेशियो में काट रही है, तो ये पॉइंट डी ले लो, ये पॉइंट ई ले लो, तो हमारे पास गिवन था कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, वी हैव गिवन दिस, दिस इज गिवन, ये हमको गिवन था। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि टू प्रूव डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई इज पैरेलल टू, बच्चों ये हमारा एजेंडा, हमें ये प्रूफ करके लेके आना है। तो चलो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में क्या करना है हमको, मान लेते हैं हम एक लाइन जो कि डी से जा रही है, ये जा रही है, इस लाइन का नाम है एल, और ये काट रही है एफ पर, ठीक ना। तो ये लाइन जो है एफ पर काट रही है, तो लेट एल बी द लाइन पैरेलल टू बी सी, हमने मान लिया एल एक लाइन है जो बी सी के पैरेलल है, डी को नहीं माना हमने, हमने किसको माना, एल को माना कि बी सी के पैरेलल है, इसको हम बोल रहे हैं नहीं तुम नहीं हो पैरेलल, पैरेलल तो जे है, तो देखना ये बात पैरेलल है क्या, कितनी सही है कितनी गलत है वो तो लास्ट में पता चलेगा। तो अगर एल बी सी के पैरेलल है तो मतलब ये बीपीटी लगेगी एल पर, सो अकॉर्डिंग टू बीपीटी, तो बीपीटी लगेगी मतलब क्या हो जाएगा, एल कहां से स्टार्ट हो रही है, डी से, और कहां पर जा रही है, एफ पर, तो बीपीटी कहती है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। बोलो बच्चों यस और नो। हेलो, यस सर, बिल्कुल सही, ए एफ अपॉन एफ सी, क्यों लग गया भैया, एक कट पॉइंट एफ तो है यार, इसमें कौन सी बड़ी चीजें लगाने में, लगा डालो। चलो ये है, अब आपके पास गिवन क्या है, ये पहला रिलेशन, और दूसरा रिलेशन ये देखो गिवन, गिवन क्या है आपके पास, गिवन है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, रिलेशन नंबर टू ये गिवन है। तो ये लेफ्ट पार्ट इसका इक्वल है तो भैया राइट पार्ट भी तो इक्वल होगा ना, तो अपन राइट पार्ट को क्या करा दें, इक्वल करा दें, तो लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो राइट पार्ट भी इक्वल होगा, सो लिखेंगे सो बाई वन एंड टू, इक्वेशन नंबर वन और टू से राइट पार्ट क्या हो जाएगा, ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, बच्चों दोनों तरफ प्लस वन ऐड कर दो, तो ए एफ अपॉन एफ सी प्लस वन इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस वन। चलिए बच्चों एलसीएम ले लीजिए, ए एफ यहाँ एफ सी ऊपर जाएगा, तो ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, तो ए एफ प्लस एफ सी मिलकर के क्या बन गया, देखो ए एफ और एफ सी मिलकर के क्या बन गया, ए सी अपॉन एफ सी इक्वल टू ए ई और ई सी मिलके भी क्या बन गया बच्चों, ए सी बन गया, ए सी अपॉन ई सी, ए सी से ए सी कैंसिल, क्या रिजल्ट आया, वन अपॉन एफ सी इक्वल टू वन अपॉन ई सी, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया, वन अपॉन एफ सी इक्वल टू वन अपॉन ई सी, पलट दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ई सी इक्वल टू एफ सी, क्या देख रहा है, ई सी इक्वल टू एफ सी। तो डायग्राम से देखिए जरा कि ई सी इक्वल टू एफ सी का मतलब क्या है, डायग्राम से देखते हैं कि ई सी इक्वल टू एफ सी का मतलब क्या साबित हो रहा है, देखिए कह रहा है कि जो ई सी है वही एफ सी है, तो ई सी तो यहां से यहां तक है और एफ सी यहां से यहां तक है, तो ई सी और एफ सी इक्वल कब हो सकते हैं, जब ई पॉइंट और एफ पॉइंट क्या हो,
दोनों कोइंसाइड हो, इसका मतलब E एंड शूट F, सो E इज वेरी वेरी क्लोज टू E एंड F आर कोइंसाइड। हाँ, और अगर E और F कोइंसाइड हो जाएंगे, EF, E और F कोइंसाइड हो जाएंगे, तो अपने पास जो लाइन बचेगी, अगर E और F कोइंसाइड हो जाएंगे, इसका मतलब DE इज पैरेलल टू BC। भाई E और F कोइंसाइड हो गए तो DE इज पैरेलल टू BC हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? देखो भाई, ये F पॉइंट E के ऊपर आ गया, तो जो DE था, DF था, क्या बन गया? DE ही तो बन गया ना? DF जो था, DE ही तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा? सर हाँ बोलो, व्हाट सर? क्लियर? चलो नोट करो, हाँ भाई, आ रहा समझ में हिमांशु? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अनामिका तुम भी बोलो यस और नो। यस सर। चलिए नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाटएवर जो भी। मेन पॉइंट क्या समझ में आया? कि एफ पॉइंट जो है ई पॉइंट के कोइंसाइड है, और अगर आप कह रहे हो कि डी एफ आपकी पैरेलल लाइन थी, तो अब एफ ई के ऊपर आ गया, मतलब डी ई भी तो पैरेलल ही होगी। इसका मतलब जब एफ ई के ऊपर आ गया है, क्या लिख सकते हो? एफ कोइंसाइड विद ई, दैट इज इफ डी एफ is parallel to BC, है ना? DF is parallel to BC. This means DF की जगह क्या आएगा? DE, क्योंकि F point E के coincided, DE is parallel to BC. मतलब DE जो होगा BC के parallel होगा। बोलो कहाँ पे दिक्कत है? फिर से बताओ भाई, तो मैं explain करूँ, please. कोई दिक्कत आ रही क्या? चले आवांगे? Yes, चलो अगली थ्योरम लिखो बच्चों, एरिया रेशियो थ्योरम। अगली थ्योरम है एरिया रेशियो थ्योरम। अगली थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं, इस थ्योरम का नाम है एरिया रेशियो थ्योरम। एरिया रेशियो थ्योरम, इसको एआरटी भी बोलते हैं, एआरटी, एरिया रेशियो थ्योरम, एरिया रेशियो थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहती है भैया? ये थ्योरम का कहना है कि अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, अगर आपके पास में दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, चलिए, तो इस थ्योरम का कहना है कि अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या होता है? सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होता है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ए एंगल बी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल और एंगल सी एंगल आर के इक्वल।
एरिया रेशियो थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इन ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो, ओके, तो क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, इन ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, पी क्यू, तो ट्रायंगल का एरिया जो होगा ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर कह लो। बी सी के करस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू आर, सो दिस मे बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, और दिस मे बी इक्वल टू जो बच्चों पेन फंस गया, दिस मे बी इक्वल टू, सही है, क्या आएगा, इक्वल टू एक और कौन सी साइड बची, ये तीसरी साइड, ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। और एक चीज और मैं बता दूं, यही जो रेशियो होता है ये इसके एल्टीट्यूड के, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अभी मैं ड्रॉ करूंगा, एम पॉइंट पे ड्रॉ करूंगा और यहां पे एन पॉइंट पे ड्रॉ करूंगा, तो दिस में भी इक्वल टू ए एम, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा ए एम, और इसका परपेंडिकुलर क्या होगा पी एन, पी एन का होल स्क्वायर, ये होता है। तो स्टेटमेंट आप क्या लिख सकते हो एरिया रेशियो थ्योरम का, एरिया रेशियो थ्योरम का स्टेटमेंट होता है ये आपके सामने, पढ़िए, ये तो हाँ, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो जो होता है उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, यानी ट्रायंगल एबीसी अपॉन डीईएफ इक्वल टू बीसी स्क्वायर अपॉन ईएफ का स्क्वायर, या होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, या एबी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर या एसी स्क्वायर अपॉन डीएफ स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। चलो भाई प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करें, हाँ बेटा बोलो, सर इनके एरियाज किसी एक, सर किसी एक के स्क्वायर के इक्वल ही मतलब ना, हाँ बेटा किसी एक के स्क्वायर, एक एक टाइम में एक ही तो पेयर ऑफ साइड्स लोगे ना, ये ले लो इसके प्रोपोर्शन, मतलब इसका इसका रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, या इसके इसके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, या इसके इसके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, यस इक्वल लगा बीच में, चाहे आप कोई भी मतलब सब नहीं लोगे, एक टाइम में एक ही पेयर लोगे, हैं ओके सर। चलो अब इसको प्रूफ करते हैं, तो इसको प्रूफ कैसे किया जाए, देखिए आपके पास दो ट्रायंगल थे, तो अब एक काम करो बच्चों, आप ट्रायंगल बना लो एबीसी और पीक्यूआर, ये अपन ने ट्रायंगल बना लिया एबीसी और पीक्यूआर, कॉपी में अपने ट्रायंगल बना लो, पहला ट्रायंगल अपन ने ले लिया एबीसी, ए बी सी किसके सिमिलर है बच्चों, ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, मतलब एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा, यस, ए ए के बी क्यू के और सी आर के इक्वल होगा। चलो अब देखिए बच्चों क्या करते हैं हम, सिमिलरिटी क्या कहती है, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरम क्या बोलती है कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आता है, मतलब ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी या बी सी अपॉन क्यू आर is equals to AC upon PR, ये equal होता ही है, कहां से, corresponding similar triangle की condition, corresponding sides का ratio equal होता है, तो
ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये डबल मैंने इसलिए निशान लगाया कि आप पहचान जाओ और करस्पॉन्ड कर सको, तो ये और ए सी अपॉन क्यू आर ये इक्वल हुआ करता है ए सी अपॉन पी आर सॉरी। चलिए अब करना क्या बच्चों, लिखो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ दो बच्चों, इसका नाम है ए एम, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डाल लो बच्चों, इसका नाम ले लो पी एम। तो ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। यस, तो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया, ए एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। अब बच्चों दो ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल ए एम बी, ए एम बी एंड पी एन क्यू एंड ट्राइंगल पी एन क्यू, ध्यान से देखिए एंगल ए एम बी और एंगल पी एन क्यू कितने डिग्री है, 90 डिग्री, ये भी 90 है, ये भी 90 है। दूसरी बात, एंगल बी और एंगल क्यू आपस में क्या है, इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, तो अगर दो एंगल किसी ट्रायंगल के इक्वल हो चुके हैं मतलब वो ट्रायंगल क्या होगा, एंगल एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर होगा, इसका मतलब सो ट्रायंगल ए एम बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन क्यू। यस, सिमिलरिटी लग गई भैया, ए एम बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन क्यू, इसमें हमने सिमिलरिटी लगा दी, ए एम बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन। चलो इतने की फोटो ले लो बच्चों। इतने की फोटो ले लीजिए, चलिए अब देखिए इसमें क्या यूज होगा। अब इसमें हम सीपीएसटी लगा सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अक्षत समझ में आ रहा है, हिमांशु समझ में आ रहा है, ए एम अपॉन पी एन, देखो इसका है ए एम और इसका है पी एन, ए एम अपॉन पी एन इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू एन,